हाय, दिस इज एन एच ग्रीन फ्रॉम ब्रेन इंग्लिश। आज हम नरेशन बिहार बोर्ड 12th में पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वैसे करीबन 11 साल के क्वेश्चन जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उससे सॉल्व किया है क्वेश्चन बैंक से। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो दिए हुए हैं वो काफ़ी गलत दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। ओके, तो हम वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो नरेशन से रिलेटेड हैं। क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफी हेल्प करेंगे आपके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव्स, आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेज पे आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियोज देन यू गो इन प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर बिहार बोर्ड 12th एंड यू कैन गेट द वीडियो फ्रॉम देयर एंड यू कैन वॉच। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बेसिक के बारे में वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बेसिक्स को, या आप देख सकते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं नरेशन। क्योंकि अगर इफ आई टेल यू ऑल दिस थिंग्स हेयर देन इट विल टेक मोर टाइम। ओके, अब हम शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो है, आई सेड टू हिम आर यू मैड, ये 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और बिना ऑप्शंस के पूछे गए थे, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ऑप्शंस रहते हैं, पहले ऑप्शंस नहीं रहते थे। ओके, तो यह क्वेश्चन 2011 का है। यहाँ पे एक चीज़ देख लें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर एम, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनसे शुरू होते हैं। और एक जो होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू होते हैं, जिनको वेयर, वाई, हाउ, वेन, विच, इनसे शुरू होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज करते हैं इंक्वायर्ड, ऑफ में अगर ऑब्जेक्ट होता है, नहीं हो तो इंक्वायर में रहने देंगे। इंक्वायर ई से भी हो सकता है, आई से भी होगा। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंसेज होते हैं उन्हें हम असर्टिव में या स्टेटमेंट में कर देते हैं, और फिर जैसे पुराने नियम होते हैं वैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे बस डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डैट की जगह हम इफ, वेदर का इस्तेमाल करते हैं जब जब रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, आई इंक्वायर्ड हिम, इंक्वायर्ड के बाद हिम है, ऑब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, यहाँ बिल्कुल ऑफ का प्रयोग हुआ है, इफ लगा हुआ है, इफ लगाते हैं यू। अब यहाँ पे देखेंगे यू आर मैड, तो यहाँ यू जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे ही होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आई इंक्वायर टू हिम, इंक्वायर के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है, इंक्वायर के बाद जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ही, यू चेंज होगा हिम के अनुसार, तो ही वॉज मैड, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आई सेड टू माई फ्रेंड, कैन आई राइट विथ योर पेन, ये रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम असर्टिव में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आई कैन राइट विथ योर पेन। यहाँ पे सेड टू जो है इंक्वायर या आस्क में चेंज होगा। ओके, और ये पास्ट टेंस में है, इसलिए ये कैन जो है हेल्पिंग वर्ब या टेंस जो होगा वो चेंज होगा, तो कैन कुड होना चाहिए। ओके, ऑप्शन देखते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ आई कैन, यहाँ पे आई है, आई जो चेंज होगा वो आई के हिसाब से ही चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन तो आई बिल्कुल ओके है, लेकिन यहाँ कैन की जगह कुड होना चाहिए, तो ये ऑप्शंस जो है आपका नहीं होगा। आई आस्क टू माय फ्रेंड, आस्क के बाद टू नहीं लगता है। ओके, तो ये भी ऑप्शंस आपका ऑप्शन जो है गलत हुआ। आई आस्क माई फ्रेंड ओके, वेदर, इफ या वेदर का हम प्रयोग करते हैं, आई 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 ही रहेगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा। राइट विथ, यहाँ योर है, योर जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो माई फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन में है, तो माई फ्रेंड की जगह हिज फ्रेंड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, ये सही हो गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, वैसे डी भी हम देख लेते हैं, आई की जगह यहाँ पे ही में चेंज हुआ है आई, तो यहाँ पे आई ही में चेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डू यू हैव अ पेन इन द चेस्ट, डू यू हैव अ पेन इन द चेस्ट को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा यू हैव अ पेन इन द चेस्ट, यहाँ सेड है, तो सेड के हिसाब से ये हैव भी चेंज होगा, हैड में जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया बिना ऑप्शंस के। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, यहाँ तक सही है, इफ ही, यहाँ पे यू जो है पेशेंट के हिसाब से चेंज होगा, तो ही इट्स ओके, हैव हैड में चेंज होगा, यहाँ सही है,
ऑप्टेन इन द चेस्ट, यहाँ तक बिल्कुल ये सही है। ओके तो हम इसे फिर से एक बार एग्जामिन कर लें। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट इफ ही यू हिम हैड अ पेन इन द चेस्ट, ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि दूसरा ऑप्शन देखते हैं। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट इफ ही हैज, तो हैज तो नहीं होगा, हैड में चेंज हो जाएगा। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट दैट, द डॉक्टर आस्क द पेशेंट दैट, डैट है यहाँ पे, तो डैट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इफ लगाते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके डी नंबर, द डॉक्टर आस्क द पेशेंट इफ इफ हैड ही नहीं होगा, ही हैड होता तो वी कैन थिंक, तो ये भी गया, तो ये आंसर थर्ड का जो है वो बिल्कुल ए होगा। ओके फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में ही आस्क द चाइल्ड इफ ही वॉन्टेड बैलून्स, ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इसे जो है डायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट में चेंज करने के लिए इफ के बाद वाले पार्ट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में चेंज करते हैं। तो ही वॉन्टेड बैलून्स है तो डिड ही वॉन्ट बैलून्स हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो इसके टेंस को भी चेंज करेंगे, कॉरस्पोंडेंस टेंस के बैक में जाएंगे, जैसे डिड है तो डज करेंगे, तो डज ही वॉन्ट बलून्स हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन से यहाँ बनेगा। ओके तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं, डज वाला ऑप्शन से देखते हैं। ही यहाँ ही है तो ही जो चेंज होगा यहाँ पे, ही जैसे चेंज हुआ होगा तो ही किसके हिसाब से चेंज हुआ होगा, ये ऑप्शन से हम देख लेते हैं। जैसे पहला है डिड यू वॉन्ट, तो यहाँ पे डिड है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में डिड होता और यहाँ पे सिंपल पास्ट या पास्ट टेंस रहे तो उस कंडीशन में डिड जो है ये सिंपल प्रेजेंट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ डू यू वॉन्ट बलून्स, यहाँ डू है यू को अगर लेते तो यू जो चेंज होता है चाइल्ड के हिसाब से चेंज होता, तो यानी ही, तो यह ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आस्ट भी लगा हुआ है, या सेट टू आस्ट टू ये डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस में रह सकते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम, सेट टू भी हो सकता है, कहीं कहीं टोल्ड भी हो सकता है, आस्ट भी हो सकता है। ओके तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके तो फोर्थ का जो है वो बी आंसर होगा। ओके चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर सेड टू मी Why were you absent yesterday? ये WH question है, WH questions में हम यहाँ पर inverted commas जब हटाते हैं तो that, if या whether का इस्तेमाल नहीं करते, inverted commas को हटाने के बाद हम WH words को वैसे ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर why को लिख देंगे और remaining part को हम statement में change करते हैं और उसके हिसाब से हम बदलते हैं। तो चलिए options देखते हैं। पहला option the teacher asked me, said to ask में change होता है, it's okay, asked me that, डैट का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन द टीचर आस्क मी, यहाँ तक सही है, वाई इस्तेमाल होगा, आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे जो है वो चेंज होगा क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो और कुछ वर्ड्स जैसे टुडे जो है दैट डे में चेंज होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज होता है, और टुमारो जो है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज होता है, नाउ देन में चेंज होता है, तो ये जो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं, तो यहाँ पे स्टडी चेंज नहीं हुआ है तो ये जो है ये हमारा गलत होगा। तीसरा ऑप्शन द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ तक सही है, वाई सही है, आई हैड बीन एब्सेंट, वॉज जो है, वॉज और वर जो चेंज होते हैं वो हैड बीन में चेंज होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, इट्स ओके, यहाँ तक सही है, एबसेंट द प्रीवियस डे बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल है जबकि वॉज और इफ का इस्तेमाल है, जबकि वॉज और इफ का इस्तेमाल नहीं होगा, हैड बीन इस्तेमाल हो जाएगा। ओके सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल सेड टू हर फादर व्हेन विल मदर रिटर्न, ओके वेन की तरह उतर जाएगा, ओके और मदर रिटर्न जो है विल मदर रिटर्न हो जाएगा, मदर विल रिटर्न और फिर हम इसे चेंज करेंगे। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। द गर्ल आस्क्ड हर फादर, द गर्ल आस्क्ड हर फादर, इट्स ओके, डैट का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। द गर्ल आस्क्ड हर फादर व्हेन वुड मदर रिटर्न, तो यहाँ वेन के बाद जो है वुड का इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन को दर्शाता है, तो इस कंडीशन में भी जो है यह नहीं होगा क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के बाद आते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके सी नंबर द गर्ल आस्क्ड हर फादर
विन, यहाँ विन विन है बिल्कुल, मद विल, विल नहीं होगा, विल जो है वुड होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे वुड है और ये रिमेनिंग पार्ट इट्स ओके, देन ऑप्शन वुड बी डी। ओके, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, ये 2012 में पूछे गए हैं। मुस्तफ़ा आस्क वेयर हिज लैम्प वॉज, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। तो वेयर हिज लैम्प वॉज, ये इसको क्वेश्चन पहले बनाएंगे, तो वेयर इज हिज लैम्प हो जाएगा, और जब हम इसे चेंज करेंगे। ओके, तो पहले ऑप्शन से हम इसे देखते हैं। मुस्तफ़ा सेड इट्स ओके, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वेयर वॉज हिज लैम्प, अगर वॉज चेंज होगा तो हैड बीन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, वेयर हिज लैम्प इज, यहाँ पे है हिज लैम्प। ओके, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। मुस्तफ़ा सेड वेयर हिज लैम्प वॉज, वॉज तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। ओके, तो बी और डी हमारा ऑप्शन बचा। यहाँ पे वेयर इज माई लैम्प, यहाँ माई जो है, माई को जब हम चेंज करेंगे तो ये मुस्तफ़ा के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो हिज लैम्प हो जाएगा, वेयर इज हिज लैम्प, और यहाँ पे मुस्तफ़ा सेड वेयर हिज लैम्प इज, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पे जो होगा हमारा सही ऑप्शन वो होगा डी, क्योंकि जब इसे हम चेंज करेंगे तो मुस्तफ़ा आस्क वेयर हिज लैम्प वॉच, यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जब चेंज होता है, तो जब चेंज होने के बाद आएगा। ओके, तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर जो होगा वह होगा डी नंबर। ओके, सेवेंथ नंबर का, एट नंबर क्वेश्चन, वॉट एम आई टू डू सर सेड रुपीज, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बाद में है, रिपोर्टेड स्पीच पहले है, वॉट से शुरू है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट में, तो ये हो जाएगा आई एम टू डू सर। ओके, जब सर लगा हुआ हो, मैडम लगा हुआ हो, उस कंडीशन में जो है हम क्या कहते हैं, उन्हें हटा देते हैं, और रिक्वेस्ट या रेस्पेक्टफुली ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो रुपेश, रुपेश आस्क रेस्पेक्टफुली, ओके यहाँ तो बिल्कुल सही है, वॉट वॉट ही रहेगा। ओके, यहाँ वॉज है, वॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चेंज होते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, रुपेश आस्क रेस्पेक्टफुली वॉट ही वॉज टू डू, यहाँ रुपेश है, इट्स ओके, आस्क रेस्पेक्टफुली यहाँ सही है, वॉट ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ देखेंगे आई जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट रुपेश है, तो ही हो जाएगा, बिल्कुल यह जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि यहाँ रेस्पेक्टफुली जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर एट का बी होगा। नाइन्थ में आते हैं, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, यहाँ डू यू नो इंग्लिश ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, तो ही सेड टू मी आस्क्ड होगा, डू यू नो इंग्लिश पहले असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये यू नो इंग्लिश हो जाएगा। ऑप्शन में आते हैं, ही आस्क्ड मी, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास हटेगा, इफ या वेदर लगेगा, इफ है इट्स ओके, ही यू जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से, मी के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, तो ये जो है ये गलत हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू, यू नो है तो ये आई न्यू हो जाएगा जब चेंज होगा, तो क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। और ही आस्क मी डैट आई न्यू इंग्लिश, आई ही आस्क मी डैट लगता नहीं है, तो ये नहीं होगा। ओके, आई नो नहीं होगा, नो चेंज होगा तो न्यू हो जाएगा, तो नाइन्थ में जो ऑप्शन है वो बी होगा। चलिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन इंपरेटिव से रिलेटेड है। इम्परेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं इसमें जो सेंसेस आते हैं, एडवाइस सजेशन के, एडवाइस के, रिक्वेस्ट के, तो इस कंडीशन या ऑर्डर के, कमांड के, तो इस हिसाब से सेट टू को हम चेंज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर सेट टू पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम, यहाँ पे सिर्फ टू लगा देते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा, इसका ऑप्शन ये है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डैट टेक, डैट इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, डैट की जगह टू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द डॉक्टर इज एडवाइस द पेशेंट, बिल्कुल सही है यहाँ तक, क्योंकि एडवाइस में चेंज करेंगे, डॉक्टर एडवाइस दे रहा है और एडवाइस के बाद टू नहीं लगता है, यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो सी नंबर नहीं होगा, टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में इफ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला का जो है वो बी हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन, शी सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, ये रिक्वेस्ट क्वेश्चन है ओके, और इम्परेटिव सेंटेंसेज है क्योंकि डायरेक्ट ये वर्ब प्लीज के बाद वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, शी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है, आस्क के बाद भी नहीं होता है, टेल के बाद भी नहीं होता है, तो यहाँ पे टू है तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। शी रिक्वेस्टेड द टीचर इट्स ओके टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, यहाँ पे जो प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली को हम हटा देते हैं, उसकी जगह रिक्वेस्ट लगा देते हैं, तो शी रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू मी, यहाँ पे मी जो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से ओके, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे हर होना चाहिए, तो इस कंडीशन में मी है तो ये नहीं होगा, हर ऑप्शन देखेंगे, यहाँ दो जगह हर है ओके। शी रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू हर, ये बिल्कुल सही है, टू भी लगा हुआ है तो सी इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे डैट लगा हुआ है तो डी नहीं होगा, तो टू का सी आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प मी डू इट, तो ये भी हमारा जो है प्लीज से क्वेश्चन है और ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्शंस देखते हैं, द बॉय रिक्वेस्टेड के बाद टू लगा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा ओके। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प मी, टू हेल्प मी, मी जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट द बॉय, तो यहाँ पे ही होना चाहिए, तो मी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे हिम है, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम डू इट ओके इट्स ओके, यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसमें डैट लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन जो है थर्ड का वो सही होगा। फोर्थ, ही सेड टू हिज फ्रेंड टेक योर सीट प्लीज, यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, ऑप्शंस देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स इट्स ओके टू टेक योर जो है वो देयर में चेंज होगा ओके, क्योंकि यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से चेंज होगा ओके, तो देयर हो जाएगा, देयर से प्लीज नहीं लगेगा, प्लीज हट जाता है तो ये नहीं होगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू टेक देयर सीट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है नेक्स्ट वाले में और उसके नेक्स्ट में है रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स यहाँ पे डैट लगा हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, तो फोर्थ का बी आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ही सेड टू मी डू यू हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ डू लगा हुआ है और डू के जस्ट बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैव, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो डू इम्फेटिक वर्ड्स है ओके, ये क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है, इम्फेटिक वर्ड्स है, इम्फैक्ट ये जो है इस पर इम्फेसाइज कर रहा है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ऐसे जब इम्फेसाइज डू से शुरू होता है तो डू को हम हटा देते हैं, तो इस पार्ट, ये पार्ट बिल्कुल हट जाएगा, तो शी सेड टू मी टू हैव अ कप ऑफ टी, शी सेड टू मी डैट नहीं होगा ओके, यहाँ पे टू हैव अ कप ऑफ, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, और ये ऑप्शन क्या है, शी सेड मी, यहाँ पे टू हट गया तो ये नहीं, तो ये सी, फिफ्थ का सी आंसर होगा। ये सिक्स नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है, ही सेड लेट मी स्लीप वेल टू नाइट, ये क्वेश्चन लेट से शुरू है, लेट से शुरू वाले क्वेश्चन इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके बनाने के थोड़े मुख्तलिफ नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे, पहले यहाँ पे ही सेड, तो ऑप्शन देखते हैं, ही सेड तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड हो गया, सारे में रिक्वेस्टेड है ओके। लेट वाले कुछ सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो बाद वाले पार्ट्स होते हैं, बाद वाले पार्ट्स को हम सिर्फ वहाँ पे टू लगा के भी बना देते हैं ओके, और अगर लेट के साथ अस लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं ओके, लेट अस अगर हो तो ये सजेशन, यानी यहाँ पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं, डैट लगाते हैं और यहाँ पे अस को जो है देखेंगे या तो वी में या तो डे में चेंज होगा और शुड लगेगा और यहाँ डैट भी लगा रहता है ओके। तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड टू लेट, ये मी है, मी जो है ही के हिसाब से तो हिम यहाँ सही है, स्लीप वेल टू नाइट नहीं होगा क्योंकि टू नाइट जो चेंज होगा वह डैट नाइट में चेंज होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ही रिक्वेस्ट टू लेट हिम स्लीप वेल डैट नाइट इट्स ओके, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, बाकी और ऑप्शंस को हम देखते हैं, यहाँ पे डैट है जबकि डैट डायरेक्ट हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे अगर टू का ऑप्शंस है, नहीं तो ये चेंज होता है पार्ट ओके। रिक्वेस्टेड टू लेट मी, यहाँ पे मी ही है तो मी नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो मी हिम में चेंज होगा ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा सिक्स का बी होगा। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, जैक प्रपोज्ड टू जूली डैट दे शुड डांस टुगेदर, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे दे है ओके, यहाँ पे शुड डांस,
या ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इम्परेटिव सेंटेंस से चेंज हुआ, इसे ऑप्शन से हम देखेंगे। ये लेट वाले क्वेश्चंस में प्रपोज लगता है, सजेस्टेड लगेगा। तो ऑप्शन है जैक सेड टू जूली, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेट मी, यहाँ मी नहीं होगा, अस होगा, तभी वह दे में चेंज होगा। तो जैक सेड टू जूली लेट अस डांस टुगेदर, इसे जब चेंज करते हैं तो सेड टू को हम प्रपोज टू सजेस्ट टू में बदल देते हैं। लेट अस है, यहाँ पे हम डैट का इस्तेमाल करेंगे, और अस जो है वह अस जो हमारा चेंज होगा वह जैक के हिसाब से चेंज होगा। तो जैक जो है थर्ड पर्सन में, तो दे में चेंज हो जाता है। तो डे डांस दे हो जाएगा, और दे के बाद जो होता है शुड लगेगा और डांस टुगेदर। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन ये सही होगा, सेवेंथ का। नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यहाँ पे यह क्वेश्चन है, ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ के क्वेश्चन नहीं मिले, तो ऑप्टेटिव के लिए हो सकता है फ्यूचर में पूछ ले, तो आप इंग्लिश ग्रामर में जाकर ऑप्टेटिव सेंटेंस वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ द पुअर मैन सेड अलास आई एम रूइंड, तो यहाँ अलास लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ बने हुए हैं। ओके, तो द पुअर मैन सेड, इसे जब हम चेंज करते हैं तो सेंस के हिसाब से एक्सक्लेम्ड के साथ जोड़ते हैं, तो ये अलास है, यानी यहाँ पे दुख है, तो सौरव होगा। तो द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय तो होगा नहीं, ये तो सौरव है। द पुअर मैन सेड, सेड चेंज होता है तो ये नहीं होगा। द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विथ सौरव डैट ही वॉज रूइंड, यहाँ पे डैट बिल्कुल लगता है, ही वॉज आई जो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट द पुअर है तो ही वॉज रूइंड, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि एम जो है वॉज में भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह सेड है, यानी पास्ट टेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ओके, और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर डालें, उसे भी मैं सॉल्व करूँगा, और इस तरह के और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, और यह आपके लिए काफ़ी जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें मैं एनालिटिकल जो है मेथड का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।